प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज नारियल का ओबट बनाएंगे। नारियल ओबट बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, एक कप नारियल कसके लिया है, एक कप गुड़, थोड़ा ऑयल, दो तीन स्पून चावल भिगा के लिया है, एक कप आटा, चार पाँच स्पून चिवड़ा भिगा के लिया है, एक कप चिरोटी रवा, पाव स्पून हल्दी, आधा स्पून इलायची पाउडर, थोड़ा सा पानी। पहले आटा गूंद लेंगे। एक बर्तन में चिरोटी रवा डाल रही हूँ, आटा डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, एक स्पून गरम तेल डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंद लेंगे। देखिए ऐसा। अभी आटा गूंद गया है, इसके ऊपर पानी डाल के भिगा के रखेंगे। ये दो तीन घंटा अच्छी तरह से भीगने देंगे। पानी में डूब जाना चाहिए, इतना पानी हमको डालना है। अभी इसको ढक के रख देते हैं। अभी हलवा बना लेंगे। एक मिक्सी जार में चावल डाल रही हूँ, चिड़वा डाल रही हूँ। पहले इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। देखिए ऐसा नाइस पेस्ट होना चाहिए। अभी इसमें नारियल डाल रही हूँ, इसको भी मिक्सी कर लेंगे। देखिए ऐसा। अभी गैस पर एक कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी जो लिया था ना, दो चार स्पून, वही डाल रही हूँ। गुड़ डाल रही हूँ। इसको गुड़ को पहले पिघलने देंगे। देखिए ऐसा। इसको पाग देखने की जरूरत नहीं है। देखिए गुड़ पिघल गया है। अभी इस गुड़ में नारियल पीस के रखा था ना, वो नारियल इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको घुमाते घुमाते पका लेंगे। देखिए ऐसा, हाथ नहीं छोड़ना है। देखिए ये कढ़ाई को छोड़ देता है, जैसे नारियल की बर्फी हम बनाते हैं ना ऐसे। देखिए ये अच्छा बन गया है। इसको ठंडा करेंगे। इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है इसका। इसका लोई बना लेंगे। अभी ये आटा भी भीग गया है, पानी ऊपर से निकाल करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। देखिए पानी निकाल रही हूँ। सारा पानी निकाल के
देखिए इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, देखिए ऐसा, देखिए कितना अच्छा आटा रेडी हो गया है। अभी इसमें थोड़ा एक स्पून तेल लगा के इस आटे को अच्छी तरह से मार के तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसा, देखिए अच्छा गूंद गया है। देखिए ऐसा मार मार के इसको सॉफ्ट करना है। आटा जितना सॉफ्ट होता है उतना अच्छा होता है वो बट बनाने में। अभी देखिए ऐसा आना चाहिए आटा, खींचने से रबर जैसा आता है। अभी एक लोई लेके, ये ओबट पेपर कहते हैं, इस पेपर पर प्लास्टिक जैसा रहता है वो लगेगा नहीं पेपर में, तो ऐसा वाला पेपर मिलता है मार्केट में, तो उसको थोड़ा फैला के बीच में ये लोई रखेंगे। देखिए ऐसा चारों तरफ ऐसा क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, चारों तरफ ऐसा बंद कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। अभी इसको चारों तरफ कवर करके, चारों तरफ क्लोज करके, फिर इसको देखिए ऐसा एक प्लास्टिक का पेपर इसके ऊपर डाल के फिर हाथ से इसको तैयार करेंगे। देखिए प्लास्टिक का पेपर, तो ऐसा फैलाएंगे रोटी जैसा इसको फैलाना है। देखिए कितना अच्छा ये स्प्रेड हो रहा है। पेपर को ही घुमा घुमा के राउंड शेप देते हुए इसको फैलाना है। देखिए ऐसा, जितना पतला हमको चाहिए उतना पतला हम फैला सकते हैं। अभी मैं तवा गरम करने रखी हूँ, तवा गरम हो गया है। अभी मैं इस पेपर को, प्लास्टिक को निकाल करके तवे पर ऐसा उल्टा करके, देखिए ऐसा करने से निकल आता है। देखिए कितना सुंदर निकल आया है। इसको मीडियम आंच में, स्लो टू मीडियम रख करके इसको सेकना है। देखिए कितना अच्छा ये कलर चेंज हुआ है ना। अभी इसको घुमा लेंगे। देखिए पिंक कलर आया है ना, रोज कलर आया है ना। अभी इसको फोल्ड करके निकाल देंगे। देखिए ऐसा, मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसा एक लोई लेंगे, नारियल का लोई जितना होता है का जो मसाला है वो जितना साइज में लेते हैं उतना ही साइज में ये आटा भी ले करके, देखिए ऐसा उसी पेपर पर डाल के थोड़ा तेल लगा के इसको फैला के
देखिए ऐसा फैलाते हैं और इसमें वो स्वीट वाला लोई है ना, वो भी रख करके चारों तरफ इसको बंद करेंगे। देखिए ऐसा खुला नहीं रहना चाहिए, ऐसा सब खींच के चारों ओर इसको ऐसा, देखिए कितना अच्छा लोई रेडी हुआ है। अभी इसको पेपर रख करके फिर इसको भी ऐसा फैला देंगे। देखिए तैयार हो गया है। अभी इसको मैं तवा के ऊपर डाल रही हूँ। देखिए कितना पतला पतला। कितना सुंदर वो बट रेडी हो गया है। अभी मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। नारियल का ओबट रेडी।